हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हुआ। बीजेपी 121 और जेडीयू प्लस 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें से 7 सीटें मांझी की पार्टी हम को मिलेंगी। विपक्ष का महागठबंधन छोड़ने वाली मुकेश सहनी की पार्टी भी वीआईपी एनडीए में शामिल हुई। वीआईपी की सीट बीजेपी के कोटे से। बिहार एनडीए से बाहर हुई चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी। बीजेपी बोली, चिराग पासवान प्रचार में मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल ना करें। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका। झारखंड की जेएमएम भी महागठबंधन से अलग हुई। बिहार की कुछ सीटों पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। किसानों के समर्थन में आज राहुल गांधी का पंजाब से हरियाणा तक मार्च दिखा। खट्टर सरकार ने हरियाणा में एंट्री से रोका तो ट्रैक्टर पर ही धरने पर बैठ गए राहुल गांधी। पंजाब में किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने आज ट्रैक्टर रैली की। रैली में राहुल खुद ही ट्रैक्टर चलाते दिखे। कृषि बिल के पास होने के दौरान विदेश में होने के सवालों पर राहुल गांधी बोले, मेरी माँ का चेकअप था, प्रियंका नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके स्टाफ को कोरोना हुआ था। कृषि कानून पर जारी संग्राम के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, किसानों को फसल का दाम ना मिल पाने के लिए सोनिया और राहुल के पूर्वज ही जिम्मेदार हैं। हरियाणा के सिरसा में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने पानी की बौछार की। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज भी जारी रहा। 13 दिन से रेल रूट को किसानों ने ठप किया हुआ है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह कोरोना संक्रमित हुए। कल जिस मंच पर राहुल गांधी ने भाषण दिया था उसका संचालन बलबीर ही कर रहे थे। हाथरस गैंगरेप केस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया ताकि हिंसा ना फैले, भीड़ ना जुटे। हाथरस केस की आड़ में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश के 4 आरोपी मथुरा से गिरफ्तार। योगी सरकार ने कहा, दिल्ली दंगों में आरोपी पीएफआई संगठन के हैं चारों। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। परिवार को 5 लाख रुपए की मदद दी। मृतक लड़की के भाई को नौकरी देने की मांग की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। हाथरस कांड पर कर रहे थे प्रदर्शन, मारपीट हुई। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से कई जिलों में बत्ती गुल। बिजली न होने से पानी की सप्लाई और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर असर पड़ा। हड़ताल के बाद यूपी सरकार ने बिजली विभाग के निजीकरण का फैसला टाला। 3 महीने बाद अब समीक्षा के बाद ही नया फैसला लिया जाएगा। बिजली ठप होने से प्रयागराज यूनिवर्सिटी में आज होने वाली परीक्षाएं भी टल गई। 20 अक्टूबर को होंगे अब एग्जाम। एमपी में उपचुनाव से पहले साड़ी बांटते शिवराज के मंत्री ब्रजेश सिंह का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को है उपचुनाव की वोटिंग। पटना में भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के रविंद्र प्रसाद। बोले, भैंस उनके पूर्वजों की सवारी रही है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री देशमुख बोले, सुशांत केस पर महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले अब माफी मांगे। पूछा, क्या बीजेपी के फडणवीस जेडीयू के गुप्तेश्वर का प्रचार करेंगे।